गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये देखिए हमारे पीछे पूरा फौज चला आ रहा है। इन लोगों को मेरे फीडिंग का इंतजार है कि एक्चुअली मैं जब भी घर से आता हूं तो इन लोगों के लिए जो मेरे घर पे बचा हुआ खाना होता है तो वो मैं लेके आता हूं। तो इन लोगों को अभी इंतजार था। और इत्तेफाक की बात है कि मैं घर से जब निकल रहा था तो मैंने इन लोगों का दाना रखना भूल गया, क्योंकि घर में बहुत सारी मेरी रोटी पड़ी हुई थी और कुछ कल के कुछ चावल पड़े हुए थे, लेकिन मैंने पॉलीथीन में डाल करके रखा था कि लेके जाऊंगा, लेकिन भूल गया। तो अब ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो खैर देखता हूँ अगर कुछ चावल वगैरह है यहाँ पे खाने का, वो चावल देता हूँ उन लोगों को, कच्चा चावल। और फार्म पे लगता है मुझे अब कुछ रखना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को मैं शुरू से प्योर ऑर्गेनिक फीड पे रखा हुआ है। मैं कोई पोल्ट्री फीड या कोई किसी तरह का कोई फीड नहीं देता हूँ। और ये लोग देखिए अपने से घास चुन के खाते हैं। और उस साइड में मैंने लीटर जो मेरा निकलता है पोल्ट्री का वो फेंका हुआ है, तो वहाँ भी पल्प जनरेट हो जाते हैं, तो उससे ये लोग खा लेते हैं। तो खैर देखता हूँ अभी इन लोगों को चावल देता हूँ, फिर आता हूँ उनसे बात करता हूँ। ये और मेरा एक हंस के बारे में तो मैंने बताया था, जो मेरी टफी है डॉगी, उसने काट लिया था तो डीप कट हो गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी, मोर्टिलिटी हो गया। तो ये बेचारा सिंगल पड़ा हुआ है, दूसरा मैं खोज रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। और अगर मिल भी रहा है तो बहुत कॉस्टली है। ये देखिए बेचारा ये अकेले, लेकिन ये मुर्गी के साथ एडजस्ट हो गए हैं, आराम से उनके साथ घूमते फिरते हैं। लेकिन फिर भी इसका पेयर लाना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द से जल्द इसका पेयर खोज के लाऊँ। अगर झारखंड में आसपास में कहीं पे सस्ते में अगर मुझे मिलता है तो आप लोग कमेंट करके बताएं कहाँ पे मिलता है, तो फिर मैं जाके लाऊं। लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम है मेरे सराउंडिंग में कहीं नहीं है। अब लोकल मार्केट लगेगा तो उसमें फिर ट्राई करूँगा जा करके, क्योंकि उसमें बीच बीच में कहीं कहीं से आते रहते हैं, तो सडन मिल जाए तो मिल जाए। ठीक है दोस्तों, फिर वीडियो मैं यहीं क्लोज करता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।